हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानूनों के बारे में जो दुनिया के सिर्फ एक ही देश यानी कि नॉर्थ कोरिया में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा अजीब देशों में से एक नॉर्थ कोरिया है। दूसरे देशों का नॉर्थ कोरिया के मामलों में अक्सर कोई दखल नहीं होता है और इसका मतलब ये होता है कि वो जो कानून चाहें अपने लोगों पे लागू कर सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 10, रोना। जब परिवार में से कोई मर जाता है तो रोना एक नेचुरल सी बात है, पर ज्यादातर लोग अपने देश के नेता के मरने पे नहीं रोते। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आपके पास ऐसी कोई भी चॉइस नहीं है। नॉर्थ कोरिया के नेताओं को भगवान की तरह समझा जाता है, या यूं कहना सही होगा कि समझने को मजबूर किया जाता है। वहाँ के लोगों को रोजाना नेताजी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के मौजूदा लीडर किम जोंग ऊन हैं। सन 2012 में जब किम जोंग ऊन के पिता किम जोंग इल की मौत हुई तो नागरिकों को उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर वहाँ पर मौजूद लोगों को रोना भी था। जो लोग अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थे या मौजूद तो थे पर ज्यादा रोए नहीं, उनको 6 महीने के लिए एक लेबर कैंप यानी के श्रम शिविर में रहने की सजा सुनाई गई। नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप में सजा काट चुके काफी सारे कैदियों ने उस लेबर कैंप को हिटलर के लेबर कैंप के जैसा बताया है। इसलिए अगर नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आपको मर्दाना और सख्त होना भी भारी पड़ सकता है। नंबर 9, धर्म यानी के मजहब से जुड़ी चीजें। उत्तर कोरिया ऑफिशियल तौर पर एक एथियस्ट यानी के नास्तिक राज्य है। सरकारी नीति एक इंसान के किसी भी मजहब यानी के धर्म को चुनने और पालन करने में दखल देती है। सरकार किसी भी धार्मिक काम में लगे लोगों के साथ सख्ती से पेश आती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि धार्मिक कामों पर कोई पाबंदी नहीं लगाने से वहाँ के लोग ये सीख जाएंगे कि आज़ादी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ऐसा करने से वो अपने देश के नेताओं को पूजना छोड़ देंगे। क्रिश्चियन यानी के ईसाई धर्म का पालन करने वालों को विशेष रूप से बताया जाता है। अगर किसी के पास बाइबिल पाई जाती है, भले ही वह एक टूरिस्ट है, तो इसे जब्त कर लिया जाता है और उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। और अगर वह एक नॉर्थ कोरिया का ही रहने वाला इंसान है तो वो सजा का सामना कर सकते हैं। नंबर 8, बाल कटवाना। जब आप बाल कटवाने नाई या हेयर सलून में जाते हैं तो अपने पसंद के बाल कटवाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास तो कोई ऐसी चॉइस है ही नहीं। आपको सरकार की तरफ से दिए गए 14 हेयर स्टाइल की लिस्ट मिलती है और आपको उसके हिसाब से ही बाल कटाने पड़ते हैं। फीमेल्स के लिए यहाँ थोड़ी छूट मिल जाती है और आपको आदमियों के 14 तरह के हेयर स्टाइल के बजाय एक थोड़ी बड़ी सी 18 हेयर स्टाइल की लिस्ट मिलती है। ऐसा लगता है कि ये देश आपके बालों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। सन 2004 में उन्होंने 6 भाग की एक टीवी सीरीज जारी की थी जिसका नाम था लेट्स ट्रिम अवर हेयर इन अकॉर्डेंस विद दी सोशलिस्ट लाइफस्टाइल। हालांकि ये टीवी सीरीज का नाम तो कुछ लुभावना नहीं लगता, लेकिन जब आपके पास कोई चॉइस ही ना हो तो कोई और चारा नहीं है। पूरे देश में 5 से कम टीवी चैनल्स मौजूद हैं और उन पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स पर सरकार की नजर रहती है। इसके अलावा सरकार ने सारे पब्लिक प्लेसेस पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी है ताकि सरकार के पास किए हुए हेयर स्टाइल से अलग बाल कटवाने वालों को पकड़ कर सजा देने में मदद मिले। नंबर 7, गाड़ी नहीं है भाई। मुझे यकीन है कि आप बाहर सड़क पर निकलेंगे तो एक या दो कार तो आसानी से दिख ही जाएगी, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आसानी से सारी गाड़ियां गिनते गिनते थक ही जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपको सड़क पे एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सरकार में काम करने वाले लोगों को गाड़ी रखने की इजाज़त है। वहाँ पर रहने वाले हर 1000 लोगों में से एक के ही पास गाड़ी है। इस कमी का अंदाजा आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर 1000 में से करीब 800 लोगों के पास गाड़ियां हैं। इस गाड़ियों की कमी का हालांकि वहां रहने वाले लोगों को फायदा भी है, क्योंकि सड़क पर गाड़ियां तो दिखती ही नहीं, इसलिए वो लोग फुटपाथ के बजाय सड़कों पर ही चल लेते हैं बिना गाड़ी से टकराने के खतरे का सामना करे। नंबर 6, टेलीविजन। टीवी देखना एक बहुत ही पॉपुलर सी चीज है आज की दुनिया में। चाहे आप बेवजह की चीजें देखना पसंद करते हो
या फिर दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखने का शौक रखते हो, नॉर्थ कोरिया सरकार की देश में दिखाए जाने वाले टीवी चैनल्स पर भी काफी मजबूत पकड़ है। पूरे देश में 5 से कम टीवी चैनल्स मौजूद हैं और उन पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स पर सरकार की नज़र रहती है। ज्यादातर टीवी चैनल्स पर नॉर्थ कोरियाई सरकार के नजरिए और खबरें दिखाई जाती हैं। हालांकि ज्यादातर खबरें वहां के तानाशाह किम जोंग उन को बढ़ावा देने और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसके सहयोगी दलों के बारे में आलोचना और झूठ बोलने के आसपास ही घूमती है। नंबर 5, महिला सैनिक। नॉर्थ कोरिया जैसे देश के बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं देता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया अपनी सेना में महिलाओं को भर्ती करता है, लेकिन उनके लिए एक सैनिक बनना कोई आसान काम नहीं है। उनको पहले तो एक ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है, जहां उनको अमेरिकन के खिलाफ ट्रेनिंग दी जाता है और उसके बाद उनसे घंटों तक काम लिया जाता है। अक्सर महिला सैनिकों को परेड में शामिल किया जाता है अपना देश को अच्छा दिखाने के लिए, और इस वजह से उनको एक जैसे ही बाल कटवाने पड़ते हैं और पहनने को एक जैसी ही मिनी स्कर्ट यूनिफॉर्म दी जाती है। परेड करते टाइम उनको एक सीधी कतार में रखने के लिए उनको आपस में गर्दनों पर लिपटे तार से बांध दिया जाता है। नंबर 4, खाली टाइम। हालांकि पूरा दिन खाली पड़े रहना अच्छा नहीं है, लेकिन एक बिजी काम वाले दिन के बाद सब ही को आराम करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो एक बुरी खबर है कि वहां पर खाली टाइम के लिए कोई जगह नहीं है। हर किसी को कम से कम 70 दिनों तक लगातार बिना छुट्टी मिले काम करना पड़ता है, और अगर वो एक दिन की छुट्टी करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत पैसा चुकाना पड़ता है। हालांकि वहां पर एक हफ्ते में 6 दिन काम करना होता है, लेकिन 7वें दिन जो आम तौर से छुट्टी का दिन होता है उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता है और उनको कोई छुट्टी नहीं मिल पाती। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया दूसरे देशों के साथ कोई व्यापार नहीं करता और उनकी इकॉनमी यानी कि अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है। सरकार अपने नागरिकों को इंसान नहीं बल्कि एक मशीन की तरह इस्तेमाल करता है। नंबर 3, फोटोज नहीं खींचना भाई। छुट्टियां मनाने जाते हैं तो फोटोज खींचना तो एक आम बात है, लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया जाएं छुट्टियां मनाने तो फोटो खींचना आपको भारी पड़ सकता है। टूरिस्ट के लिए वहां के नागरिकों का फोटो खींचना मना है अगर उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हो तो। ऐसे फोटोज जो नॉर्थ कोरिया को सही तरीके से ना दिखाते हो उनका खींचना भी गैरकानूनी है। नॉर्थ कोरिया की सेना और सरकारी बिल्डिंग्स के फोटोज खींचना भी गैरकानूनी है, और ये सब तब है कि जब वहाँ की सरकार अपने लोगों पर निगरानी रखती है सीसीटीवी कैमरे से। नंबर 2, परिवार को सजा। अगर कोई इंसान दुनिया में कहीं भी कोई भी क्राइम करता है तो क्या उसके पूरे परिवार को सजा हो सकती है? सुनने में तो ये सवाल ही गलत लग सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है। किसी इंसान के अपराध की वजह से उसके पूरे परिवार को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देश में 3 पीढ़ियों को सजा के नाम से एक कानून है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपराध करता है तो उस इंसान के साथ साथ उसके माँ बाप और उसकी पत्नी और बच्चे को भी सजा होगी। इस सजा में माँ बाप और बच्चे की उम्र का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। नंबर 1, वोटिंग यानी के मतदान। हालांकि उत्तर कोरिया एक तानाशाही है, जिसका मतलब है कि वहां रहने वाले लोगों के पास किसी और को चुनने का चारा नहीं है कि उनके नेता कौन बने, फिर भी वहां कानून है कि हर नागरिक को वोट यानी के मत देना है, नहीं तो उन्हें लेबर कैंप यानी के श्रम शिविर में भेजा जा सकता है। और लेबर कैंप में जाना कैसा हो सकता है वो मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। सिर्फ एक चीज अनोखी है उत्तर कोरिया में वोटिंग के बारे में, और वो ये है कि वहाँ केवल एक ही उम्मीदवार होता है और वो है वहाँ का तानाशाह किम जोंग उन। अब तानाशाह के सामने उम्मीदवार बनकर उतरने का ना तो किसी के पास हिम्मत है और ना ही ताकत। हालांकि कई बार तानाशाह के सामने वोटिंग के दौरान कुछ और उम्मीदवारों को दिखाया गया, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया को एक इम्पार्शियल यानी के निष्पक्ष देश दिखाने के लिए किया गया था। जो उम्मीदवारों को किम के सामने खड़ा दिखाया गया था वो असलियत में मौजूद ही नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में दिखाया गया कौन सा कानून आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।